दमोह जिले के कुम्हारी में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपियों के अतिक्रमण वाले मकानों पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीमों के द्वारा यहां पर कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई किए जाने के दौरान जब मकानों को हटाए जाने की कार्रवाई की गई तो उस दौरान आधे मकान को ही हटाया गया, जहां पीड़ित परिजनों के द्वारा कहा गया कि प्रशासन के द्वारा इस मामले में पक्षपात किया गया है। तो वहीं तहसीलदार का कहना था कि उस मकान में कुछ लोग रहते हैं, उनको कुछ दिन की मोहलत दी गई है, कुछ दिन के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। एसी न्यूज़ के लिए अमर सेन की रिपोर्ट। हमारे में अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उससे संबंधित कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। एक अतिक्रमणकर्ता इंद्रपाल पिता जोधन, जिसका मेन रोड पे दुकान बना था, उसको हटाया गया है। दूसरा नंदराम का एक अतिक्रमण हटाया। परिजनों का आरोप है कि वो आधा मकान गिराया जा रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अभी उसको थोड़ा समय दिया गया है, क्योंकि अब उसकी महिला और एक बेटी भी है और रहने के लिए कोई दूसरा मकान अवेलेबल नहीं हो रहा है, ना ही कोई किराए पर दे रहा है। कुछ दिन बाद उनकी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन बाद वो हटाने की कार्रवाई की जाएगी फिर? अभी जैसी उसकी व्यवस्था हो जाती है उसके बाद।